हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं मिक्स फ्रूट चटनी। खाने में खट्टी मीठी लगती है चटनी, बंगाल में इसे शादियों में बनाते हैं। रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत आसानी से यह मिक्स फ्रूट चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए आज हम सीखते हैं खट्टी मीठी मिक्स फ्रूट चटनी बनाना। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें कुछ फ्रूट्स चाहिए। हमने यहाँ कुछ फ्रूट्स को लिया है, इन्हें पहले से वॉश करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। थोड़ा सा हमने अंगूर लिया है, इसे दो पीसेस में काट लिया है। एक एप्पल को छोटा छोटा करके काटा है। थोड़ा सा हमने आम पापड़ लिया है, इसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 50 ग्राम के लगभग खजूर लिया है, इसके सीड्स को निकाल कर इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और हमने लिया है थोड़ा सा काजू, किशमिश, अनार और एक नींबू। मसालों में हमें चाहिए एक तेज़पत्ता, दो टेबलस्पून सौंफ, एक सूखा लाल मिर्च, दो इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 6 से 7 काली मिर्च। चटनी बनाने के लिए तो चीनी चाहिए ही, हमने 1 कप भर के चीनी लिया है। तो दोस्तों चलिए अब हम मिक्स फ्रूट चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन ले लिया है, पैन गरम होते ही इसमें सभी साबुत मसालों को डाल देंगे और इसे बस आधा मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसे आधा मिनट से ज़्यादा रोस्ट करके जलाना नहीं है। मसाले भुन चुके हैं, इसे प्लेट में निकालकर ठंडा करके मिक्सी में इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। और इसी पैन में अब हम एक तेज़पत्ता तोड़कर डालेंगे और आधा कप पानी ऐड करेंगे। इसमें अब हम 1 कप चीनी डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखना है और चीनी को 2 मिनट तक गलने देना है। चीनी अब बिल्कुल गल चुकी है और इसी वक्त अब हम इसमें खजूर और किशमिश को डाल देंगे। मिक्स फ्रूट चटनी बनाते वक्त इसमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को ही डालना होता है, क्योंकि इन्हें पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले खजूर और किशमिश को डाला है। पानी थोड़ा सा हमें कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें 1/2 कप और पानी ऐड करेंगे। तो इस चटनी को बनाने में हमें टोटल 1 कप पानी चाहिए। खजूर और किशमिश को हम 1 मिनट तक बॉईल करेंगे। 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें आम पापड़ को डाल देंगे। और अगर आपको कच्चा आम मिल जाए तो इस मिक्स फ्रूट चटनी में कच्चा आम को ज़रूर ऐड करें, चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक 1/2 चम्मच से भी कम डाला है हमने। चटनी को चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू के रस से चटनी का टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है, तो इसमें ज़रूर से नींबू का रस ऐड करना ही करना है। चलाते हुए चटनी को मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों अब हम इसमें काजू को डाल रहे हैं और साथ में जो मसाला हमने भुना था उसका पाउडर अब इस चटनी में ऐड कर देंगे। मसाला पाउडर को चटनी में अच्छे से मिक्स करेंगे। चटनी में अब बहुत ही बढ़िया सा स्मेल आ रहा है। चटनी हमारी रेडी हो गई है, अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इस चटनी को 1 मिनट थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है और अब हम बाकी फ्रूट्स को भी ऐड कर देंगे। इन फ्रेश फ्रूट्स को सबसे लास्ट में ऐड करना है दोस्तों, अगर हम पहले ही इन्हें डाल देते तो इनका कलर और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता, इसलिए मिक्स फ्रूट चटनी में सबसे लास्ट में फ्रेश फ्रूट्स को ऐड करना होता है। आप इस चटनी में केला, पाइनएप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, कीवी, इन फ्रूट्स को ऐड करके इस मिक्स फ्रूट चटनी को और भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। फ्रूट्स को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। चटनी हमारी सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। आप इस चटनी को फ्रिज में रखकर 6 से 7 दिन तक खा सकते हैं। हमारी यह मिक्स फ्रूट चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप भी इस मिक्स फ्रूट चटनी को बनाकर ज़रूर खाएं। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी ऐसी ही टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपको आगे भी मिलती रहें। मिलते हैं फिर से एक नए रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।